पाठ तीन, सजीव पौधे। परिचय। पौधे भी अन्य प्राणियों के समान सजीव होते हैं। इनका हर भाग मनुष्य के काम आता है, परंतु फिर भी मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण इन्हें नष्ट करता है। आइए पढ़ें पौधों की कहानी उसकी अपनी जुबानी। एक दिन संध्या के समय नेहा अपने घर के आंगन में लगे गुलाब के पौधे से फूल तोड़ने लगी। तभी उसे पौधे में से आवाज आई, मेरे फूल मत तोड़ो, यह समय हमारे सोने का होता है। नेहा ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया और आश्चर्यचकित होकर बोली, पौधे तो निर्जीव होते हैं, वे कैसे सो सकते हैं? पौधा बड़े प्यार से समझाते हुए बोला, नहीं बेटा, हम सजीव होते हैं। हम भी तुम्हारी तरह खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं तथा सोते और जागते हैं। यदि तुम मेरे फूल को तोड़ लेती तो यह बेचारा मुरझा जाता। ना शाखाएं, पत्ते, फूल, फल, जड़े हमारा मुख हैं, जो काम। शब्द ज्ञान। संध्या, शाम। आश्चर्यचकित, हैरान होना। निर्जीव, शुद्ध उच्चारण करें, निर्जीव, निर्जीव। रंगा सियार। परिचय। किसी को धोखा। फुलवारी।